नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सोरठा से आचार्य संस्कृत। आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें सरलता से कठिनता की ओर चलना चाहिए, सरल से कठिन कि कुछ चीज़ ऐसी सीखी जाए कि जो सीधी हो, सहज ही हमें बिना प्रयत्न के बिना ही हम उस चीज़ को सीख जाएं, रुचिकर हो, अधिक मस्तिष्क का उपयोग न हो, सहसा ही हमारे जैसे कपड़े में जल समाहित हो जाता है उसी प्रकार ऐसा ज्ञान जो हमें स्वर्ण मात्र से हमारे अधिगम हो जाता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। तो द्वितीय वर्ष में हम अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध नाटक जो महाकवि कालिदास का है उसका अध्ययन करेंगे। वो आपके 100 अंक का होगा, परीक्षा की दृष्टि से 100 अंक में आप इस नाटक में कितने अंक ला पाते हैं। अब नाटक के विषय में अभिज्ञान शाकुंतलम की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें काव्य पर विचार कर लेना चाहिए। काव्य के विविध रूप होते हैं। काव्य किसे कहते हैं? कवि की अंतरतम की भावमयी अभिव्यक्ति को ही काव्य कहा जाता है। वैसे तो कि जब कोई कवि अपने अंदर से कोई आवाज उठती है और उसको पाठक के लिए, श्रोताओं के लिए उसको लिखता है, वह उसके अंतरमयी भावमयी अभिव्यक्ति ही काव्य बन जाती है। इसलिए ऐसे तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन अंतरतम से भाव में जो सबके भावों को छूती है वही काव्य में पिरोई जाती है, काव्य कहा जाता है। केवल मेरे हृदय में तो भाव हो लेकिन आप सबके भावों में आए नहीं तो वो काव्य नहीं माना जाएगा। काव्य के विषय में प्रशस्ति कही है कि कवि करोति काव्यानि स्वादुं जानन्ति पंडिता स्त्री श्री लावण्यं पतिर् जानति नो। अर्थात कवि करोति काव्यानि, काव्य का निर्माण कवि करता है, स्वादुं जानन्ति पंडिता, और स्वाद को पंडित ही जान सकता है कि कैसा भोजन स्वादिष्ट बना है नहीं बना है, ये सब क्या है ये जानने की कला उसी में है। वो ही स्वाद को बता सकता है कितना स्वादिष्ट भोजन है, कितना स्वादिष्ट है। और स्त्री श्री लावण्यम पति जानाति नो पिता, किसी भी स्त्री का लावण्य है, उसका सौंदर्य है, उसका पति ही जान सकता है, उसका पिता नहीं जान सकता है कि उसमें कितना लावण्य है कितना सौंदर्य है। अतः काव्य को एक सहृदय पाठक ही समझ सकता है, काव्य की भाव में अभिव्यक्ति को वही समझ सकता है। अब काव्य की विविध विधाएं हैं। काव्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक श्रव्य और दूसरा दृश्य। काव्य की दो विधाएं यहां हमारे हैं। अब इन दो विधाओं में के भी भेद उपभेद हैं, गद और पद,
इसमें दृश्य है रूपक और उपरूपक। रूपकों की संख्या 10 मानी है, उपरूपकों की संख्या 18 मानी है। गद्य रचनाओं में कथा है, आख्यायिका है, चंपु है, करभंकर है, और पद्य में खंड काव्य है, महाकाव्य है, युग्मक है, संदानी तक है, इसके अलावा कलात्मक और पुलक कोश भी है। पुलक कोश रूपकों की संख्या 10 मानी गई है। नाटक प्रकरण भाण प्रहसन भिल इहाव्रत गायो गायो संपकार उपरूपक 18 बताए गए हैं, जिसमें नाटिका त्रोटक गोष्ठी सटक सटक नाट्यरासक प्रस्थान काव्यम उलापे प्रेंगण उलापे पैंखण रासक संलावक श्रीगदित शिल्पक विलासिका सुमतिका विलासिका दुर्मतिका प्रकरणी हलीश और पाणिका प्रकरणी हलीश और पाणिका। ये हमारे विविध काव्यों का स्वरूप है। इन विविध काव्यों के स्वरूप में ये हमारे विविध काव्य हैं। अब काव्य कई प्रकार के हैं, श्रव्य होते हैं, दृश्य होते हैं। श्रव्य काव्य उन्हें कहते हैं जिनको केवल सुना जा सके, देखा नहीं देख नहीं सकते। और दृश्य काव्य वो काव्य होते हैं जिनको हम आंखों से चक्षु इंद्रिय से हम देख सकते हैं और कानों से सुन सकते हैं, वो श्रव्य काव्य कहलाते हैं।
श्रव्य काव्य गद्य और पद दो तरह के होते हैं, जिसमें गद्यात्मक रचनाएं होती हैं, जैसे कथा है, आख्यायिका है, चंपू है, विरुद्ध है, करंभक है, ये सब चीज़ें हमारे गद्यात्मक रचनाओं में आती हैं। और पद्यात्मक रचनाओं में खंडकाव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक है, युग्मक है, संदानितक है, कलापक है, कुलकोश है, ये सब क्या है कि उसमें हमारे पद्यात्मक रचनाएं होती हैं। गद्य रचना अलग होती है, पद्य रचना अलग होती है। लेकिन गद्य में, गद्य रचना के साथ में पद बीच बीच में जो पद भी आ जाते हैं, ऐसी रचनाओं को हम चंपू काव्य कहते हैं। और उस चंपू काव्य को गद्य की श्रेणी में ही रखा है विद्वानों ने। अब दृश्य काव्य की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो दृश्य काव्य में रूपक 10 होते हैं, 18 उपरूपक होते हैं। 10 रूपक में सबसे पहला नाटक, जिस नाटक को हम पढ़ने जा रहे हैं, अभिज्ञान स्वातंत्र नाटक को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस नाटक को पढ़ने के लिए हमें विशेष रूप से उसके विषय में जानकारी लेनी होगी। नाटक की विषय वस्तु क्या है, नाटक कहाँ, कौन सी विधा है, नाटक की विधाएं कौन सी हैं, नाटक प्रकरण भाण प्रेषण डिंग वीथि अंक इहामृ व्याय और संभोगार, ये 10 रूपक हैं। और इन 10 रूपकों में सबसे पहला जो है हमारा नाटक, जिसका हम विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे, इससे पहले हमें उपरूपकों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि यही विधाएं नहीं है काव्य के, काव्य के और भी विधाएं हैं। जैसे नाटक से छोटा हो उसको नाटिका कहा, त्रोटक कहा, घोष्ठी हुआ, शटक हुआ, नाट्य रासक हुआ, स्थान हुआ, काव्यम हुआ, उलाप्य हुआ, फैंकण रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीश और भाणिका। ये हम काव्य पर की समस्त विधाओं के विषय में हमें जानकारी मिली, जिसका हमने आज अध्ययन किया। और जब हम नाटक की बात करते हैं, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान स्वातंत्र्यम नाटक लिखा है। अब नाटक क्या है, इसका स्वरूप क्या है, कैसा होता है, ये क्या है, तो इन शब्दों के विषय में हम जानना बहुत ही जरूरी है कि नाटक कहते किसे हैं। नाटक का अर्थ है नृणत नृतौ धातु से णऊल त्रचो सूत्र द्वारा, णऊल प्रत्यय और युआर नापो सूत्र से अक आदेश होकर नाटक शब्द बनता है। साधारणतया जिसमें चतुर्विध अभिनय किया जाए, गेय पट्ठे प्रकाशे हो, रसानुभूति हो, सुसंयोजित व्यवस्था हो, उसे नाटक कहते हैं। अर्थात जिसमें गेय पट्ठे प्रकाशे और रसानुभूति हो, उस सुसंयोजित व्यवस्था को हम नाटक कहते हैं। ऐसी सुसंयोजित व्यवस्था को हम नाटक कहेंगे जिसमें श्रोता को गीतात्मकता, पठनीयता, प्रकाशनीयता और रसानुभूति होती हो, वो ऐसी सुसंयोजित व्यवस्था को ही हम नाटक कहते हैं। अभिनय करने वाले व्यक्ति जिसमें रहते हैं उसे उस काव्य के नाटक के पात्र कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, धन्यवाद।